ृतमद्बंधम परम ब्रह्मदाकृतिसौंदीसारसर्वस्वंदीनंदाकृतिमह प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दयदेवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात्ताम्बरारनुनगम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीकर्णकमलेभ्यो नमः नमस्ते नारायण 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 रहता है उसको चरणामृत के रूप में लेवे या नहीं ना। उनके मार्जन कर लो ऐसे करो शिवधर्म मार्जन खाने का निषेध है। शिव निर्माल्य है ना भगवान शंकर के रंग पर चढ़ी हुई चीज खाने का निषेध आया। कहते हैं वर्षों से सत्संग कर रहे हैं हाँ। और मृत्यु हमारे सम्मुख आ ही रही है दौड़ी दौड़ी बिल्कुल, फिर भी भीतर से काम क्रोध लोभ आदि नष्ट नहीं हुए, क्या करना चाहिए? क्या क्या कर होना चाहिए? सच्ची बात है भगवान करके हे नाथ हमारे से नष्ट नहीं होते। सुने नहीं मैंने निर्बल के बल राम और निर्बल का बल है रोड़ा, बाला नाम रोदनम बलम, जिसके कुछ बल नहीं है रोक घर वालों को सबको नचा सकता है। एक रोने के बल पर घर वालों को नचा सकता है। ऐसे व्याकुल हो जाए काम को नष्ट नहीं हो रहे, व्याकुल रोने लग जाए ठाकुर जी नाचने लगे, ठाकुर जी को आना पड़े, ऐसी विलक्षण बात है। पर ये कब होगा कि नष्ट नहीं होने हो रहे हैं, इसके दुख से होगा, बातों से नहीं होगा। तो महाराज मेरे से तो नष्ट नहीं हो रहे, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते साधन करते हुए, हे नाथ क्या करूं मेरे से नष्ट नहीं होते। जहां आप निर्बल हुए वहां भगवान का बल आया। अपना बल लगा करके थक जाओ और निराश होकर के भगवान की आशा रखो और रो पड़ो, देखो तमाशा होता है नहीं होता है। भगवान की शक्ति काम करती है वहां, इतनी बिल्कुल बात है। परंतु इनको दूर करने की मन में आपकी होनी चाहिए। इन काम क्रोध लोभ आदि से आप तो रस लेते हो, सुख लेते हो, आराम लेते हो। अगर कामना नहीं हो तो भोग सुख दे ही नहीं सकता, लोभ नहीं हो तो रुपया सुख दे ही नहीं सकता, मोह सुख मोह न हो तो परिवार सुख दे ही नहीं सकता। ध्यान दो मेरी बात को ध्यान से, आपके लोभ नहीं हो तो लाखों करोड़ों रुपया आपको सुख नहीं दे सकते। अगर दे सकते ले तो कुत्ते रह गए, ले तो थेरे लाख रुपयों की पेशाब कर चल जाएगा। आपके लोभ न होने से रुपयों में ताकत नहीं है सुख देने की, आपके कामना न होने से भोगों में ताकत नहीं है सुख देने की। आप रुपयों का लोभ रखते हो रुपये सुख देते हैं, कामना रखते हो सुख भोग नहीं तब वे भोग सुख देते हैं। आप परिवार में मोह रखते हो तो परिवार सुख देता है, जिसमें मोह नहीं वो परिवार सुख देता है? उसमें कोई मर जाता है पर असर पड़ता है क्या? दुनिया में रुपया अनगिनती गए हैं पर मेरे रुपये नष्ट हो जाए, मेरे आप तो मेरे में है रुपयों में नहीं है। उनसे सुख चाहने में लोभ भीतर मोने सुख देता है, लेकिन रुपयों में ताकत नहीं सुख देने की। इस बात से संसार में कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। नहीं कोई सुख दुख तो कर दाता निर्कृत कर्म भोग सब रहता, सुख से दुख से न को भी दाता परो दाती थी कुबुद्धि रेशा। दूसरा सुख दुख देता है जो कुबुद्धि है, तुम्हारी भावना से सुख देता है। एक ही बात दो बात तरह से दिखती है, वही सुखदायी वही दुखदायी।
आपकी भावना जैसी हो वैसा होता है। आप भावना छोड़ दो, संसार में समता रहेगी, बिल्कुल सम दुख प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य नंदा संस्तुति माना अपमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मिश्रा जी पक्ष मौज रहेगी, हरदम हरदम मौज। राग द्वेष आप कर देते हो इससे हो जाती है। अब ये दूर होते नहीं, आप दूर करना चाहते हो, जहाँ हम चाहते हैं हमारा बल नहीं लगता, वहां रोना आता ही है, रोना नहीं आता तो आप दूर करना चाहते नहीं। छोटे बाले के भी मन की बात नहीं हो तो रो देता है, आपके मन की बात नहीं हो रहा आप राजी खुशी रहो, रोटी खा लो नींद आ जाए, हो नहीं सकता है, आपके चाह नहीं है। ऐसे के राग द्वेष नष्ट नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नष्ट करना चाहता कौन है, चाहते हो और नहीं हो तो रोना आएगा। अच्छी बात। नारायण 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 सज्जनों, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, आप ध्यान से सुनो तो मेरी धारणा आप निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है, हमारे किंचित मात्र भी शंका नहीं है इसमें। अब ध्यान देकर सुनना, आप खूब मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से, आदर पूर्वक कहना है मेरा, मेरी बातों की तरफ ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूं ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें। बोलो कभी राग और कभी द्वेष आते हैं कि नहीं आप में, कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है कि नहीं, और सुख और दुख होता है कि नहीं, राजी और नाराजी आप में होती है कि नहीं, संयोग और वियोग आपके सामने होते हैं कि नहीं, होते हैं, संयोग वियोग भी होते हैं, जन्म मरण भी होता है, नफा नुकसान भी होता है, और सुख और दुख दोनों होते हैं। अब ध्यान देना इस बात पर, मार्मिक बात बताता हूं, क्या सुख के समय आप नहीं रहते हैं, क्या दुख के समय आप नहीं रहते हैं, संयोग के समय आप रहते हैं, वे ही वियोग के समय रहते हो, जन्म के समय रहते हो, वे ही मरने के समय रहते हो, और जो नफे के समय रहते हो वे ही नुकसान के समय रहते हो, संयोग में रहने वाले ही वियोग में रहते हो, ये बात सच्ची है झूठी? आप आने जाने मेरे संयोग नफे नुकसान में तो राजी नाराज हो जाते हो, पर निरंतर रहने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। भाई बात की तरफ ख्याल करो, सुख में आप रहते हो दुख में आप रहते हो, तो आप रहते हो वहां आप रहोगे, आपको बाल पंखा नहीं होगा, रहते हो उसमें तो नहीं रहते, आने जाने में रहते हो तो फंसोगे, इसमें संदेह नहीं है। दूर ही थे पर्वत दिपर वेश्या बदन विभाग रण का वर्ण रम्य तरह दूर ही से दर्शात, पर्वत दूर से अच्छे दिखते हैं, जाकर देखो तो पता लगे पत्थरों में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वैसे आदि ऊपर से दूखते जाओ तो पता लगे, ऐसे युद्ध हो रहा है, वर्णन हो रहा है, राजी हो रहा है, पर जब गोले बांध चलते वहां जाओ बीच में पता लगे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे संसार दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, राग द्वेष वैसे चलो चल चल रहे जैसे वो तेल में बड़ा तरीके जैसी दशा हो रही है, ये दूर से ऐसे दिखते हैं तो दूर कैसे रहो, दूर से ऐसे दूर कैसे रहे कि ना राग करे ना द्वेष करे, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरे, नहीं किसी के बैर, किसी से दोस्ती भी नहीं द्वेष भी नहीं, मौज करो, आनंद ही आनंद, कोरा आनंद है, पर कब के दोनों होते हैं, आते हैं जाते हैं, इनको देखने वाले आप निर्विकार हो, अगर आप निर्विकार न होते तो दो का ज्ञान आपको नहीं होता, ये सुख है ये दुख है, ये अनुकूलता है ये प्रतिकूलता है, दो का ज्ञान जिसको होता है वो दो से अलग होता है, कभी नींद आती है कभी स्वप्न आता है कभी जागृत रहती है, तो आपके बीच में तीनों आते हैं तो आप तीनों में रहते हो,
आपके भीतर में आते जाते हैं, बदलते हैं, आप बदलते नहीं हो। तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्वयं स्थित रहो। सुख दुख बिल्कुल आप असर नहीं करेगा। आप आने जाने वाले सुख दुख के साथ में लग जाते भरोसे हो मुफ्त में। सुख दुख किया होता है, करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, और अलग रहना स्वतः आपकी प्रकृति स्वभाव है। पर आदत ऐसी आपने गाड़ दी, उस आदत के कारण से अलग अनुभव कर नहीं सकते। जैसे चाय पीने वाला चाय से अलग वो देख नहीं सकता, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट से अलग रहकर देख नहीं सकता। अगर देख है तो क्या पड़ा है उस धुएं में। चाय है, अफीम है, ये खाने वाले होते हैं ना, वो उसमें लालायत होते हैं, अलग रहते नहीं। मैंने अलग रहकर देखे तो इसमें पड़ा क्या है बताओ। आगमा पाई होने थी तो आने जाने वाले है। अब मन में हलचल मचीर नाराज हो गया, मन में बड़ी विक्षेप हो गया, बड़ा रवैया हो गया, तो मन में हो गया, आप में हो गया। आप तो मन को जानने वाले है, मन है कर्ण, आप हो कर्ण निरपेक्ष, कर्ण के साथ आप नहीं हो, मिल जाते हो, मिल जाते हो दुखी हो जाते हो, युद्ध में चला जाते हो उसकी भी लग जाए। आप प्रत्यक्ष में अलग हो, दोनों का अलग अलग अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों का अलग अलग अनुभव करो और अपने स्वरूप में स्थित हो, आपके पास दुख फटक नहीं सकता, आप में है नहीं। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्यते, शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। आप उस राग द्वेष करके उस परिस्थिति को महत्व देते हो। परिस्थिति आने जाने वाले, उसमें एक बहुत बड़ी भारी गलती होती है, ध्यान देकर सुनो आप लोग। परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति का उपयोग करना नहीं चाहते। बदलने हाथ में बात नहीं, और उसे सदुपयोग करने में बिल्कुल स्वतंत्र हो सबके सब। कमजोर से कमजोर आदमी भी उसमें निर्बल नहीं है, परिस्थिति के सदुपयोग करने में निर्बल नहीं है। परंतु नहीं, परिस्थिति बदलेंगे, निर्धन तो मैं धनवान बन जाऊं, मेरा मान बढ़ाई तो मेरा मान बढ़ाई हो जाए, मेरी आरोग्य तो मेरी जीत हो जाए। परिस्थिति को बदलना चाहते हो, परिस्थिति बदली जाएगी नहीं। एक परिस्थिति बदलूंगी और तैयार हो जाती। एक दुख से नावंत गच्छा में हम पार निवारण अवश्य, समुद्र की तरह सुख दुख आता दूर कर नहीं सकते। ताप द्वितीय दूसरी और आफत आ जाती है। सिद्धरे सुंदर था बहुली होती क्षते प्रहारा निपतंत भीषण, जहां फोड़ा फूंसी वह टोक वह टक्कर लगती है, बार बार वहां लगती है। घर में खाने को नहीं हो और बालक दूध ज्यादा हो, उस वक्त में बुखार भी नहीं आता। घर में खाने को नहीं हो, हाँ, और परिवार हो ज्यादा तो किसी को बुखार भी नहीं आता, भूख लगती है तेज, तो खावे क्या। खाने को बहुत है तो बुखार आएगा, डॉक्टर खाने नहीं देंगे कि ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा, रोटी नहीं खा सकते तुम, ये नहीं खा सकते, चीज बहुत बड़ी खा नहीं सकते। अब उनको दुख होता है, वो अभाव वाले को दुख नहीं होता है, जिनके खाने को नहीं उसको उतना दुख नहीं होता, जिन चीजें सब पड़ी भोग सकता नहीं, क्या दशा है बेचारे की, दया आवे जैसी दशा है उसकी। ये दशा हो रही दुनिया में, जिनको पदार्थ प्राप्त है वे पदार्थों का उपयोग करना जानते नहीं, परिस्थिति का सदुपयोग करना आता नहीं, परिस्थिति बदलने ही बदलने के पीछे लग रहे हैं, और बदल सकते नहीं। महान दुख पाओगे पाओगे पाओगे, जैसी परिस्थिति आए हाँ यूँ हाँ यही सही ठीक है, मगर बहुत आनंद है, मौज वाली क्या दुख हो, दुख नजीक नहीं आ सकता उसके। तो परिस्थिति का स्वरूप ही हो, परिस्थिति बदलो मत, बदल सकोगे नहीं। क्या कह रहे हैं, धन हमारे पास नहीं है तो लोभ का त्याग कर दो, हमें चाहिए ही नहीं धन। मैं तो कहता हूँ हंसी दिल की मैं सीधी बात,
कई कई छोरिया है उसकी छोरा कहते हम पसंद नहीं करते। मैंने कहा परसों तरसों ही कहा छोरी मुक्त ऐसा कह दे कोई छोरा होगा हम पसंद नहीं करते हरियाणा से तुम हमारे पसंद नहीं होगा निकलो यहाँ से सीधे हो जाए सर से। वो कहते हम पसंद नहीं करते हम पसंद करते ही नहीं तेरे को कौन है तू कहाँ का है जा सर चल यहाँ से हम नहीं पसंद करते तेरे को हो जाओ मेरा मारी करो भजन देखो तमाशा है एक नाक रगड़ेंगे आप गर्ज कर रहे हो हमारे पसंद करे हमारे क्यों पसंद करे हम नहीं पसंद करते चलो देखो आप हमारी क्या है आप उसको उपयोग करना नहीं जानते। धन का उपयोग करना आता नहीं धनी आदमियों को कैसे धन का उपयोग करे आता नहीं लोभ है एक रहे संग्रह करते करते मर जाएंगे। जोड़ी जोड़ी धन कृपण जन अरे मान रहे मन मोद मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद। मधुमाखी शायद इकट्ठा करती है लोग जला देते हैं यूं यूं करती रहती है मर जाती ऐसे जोर जोर धन कृपण जन अरे मान रहे मन मोद राजी हो रहे लखपति हो गया सा 50 लाख हो लगभग अरे करोड़पति हो गए हम तो बड़े हो गए बड़े दुखी बड़े हो गए दुखी और पापी दो बात बड़ी हुई है अभी दुखी ज्यादा हो और अगर पापी ज्यादा हो आगे फिर दुख पाओगे ये बड़े होते हो बड़ा होता तेल में वो दशा होगी तुम्हारी राजी होते हैं हमारे जो धन हो गया धन का उपयोग करना नहीं आता इनको। कुत्ता होता है ना कुत्ता वो पानी पीता है क्यों पीता है आप पियो जो नहीं पी सकता कुत्ता आकंठ जल मग्न हो भी कंठ त्राणी पानी में खड़ा कर दो तो पानी को चाटेगा यू पिए ना खूब मोल से आना से आता ही नहीं पीना ऐसे लक्ष्मी जो पदार्थ पास में है इनका उपयोग करना नहीं आता कुत्ते की तरह जो परिस्थिति आई उसका उपयोग करता आता नहीं परिस्थिति बदल जाए धन हो जाए अरे है जिसका तो उपयोग करो। लोग कहते महात्मा नहीं मिलते तुम्हारे को जैसे मिले उनका कहना तो मान लो आदित्य एबीसीडी एफजेड में आता है और एम ए की परीक्षा में हम बैठे हैं जो कोई एम ए पढ़ाने वाला हो एम ए को पढ़ाने वाला हमारे को पढ़ावे अरे तुम एबीसीडी तो सीख लो पहले कि महात्मा मिले नहीं मिलते अच्छे महात्मा अच्छे मिले क्या करेंगे जैसे महात्मा मिले उनसे लाभ ले लिया पूरा लाभ ले लिया तो भाई अच्छे महात्मा उनसे लो विलक्षण बात है सच्ची बात एक बताऊं आप जब जैसे संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो उनसे उनसे संत जरूर मिल जाएंगे संदेह नहीं है इसमें। जो परिस्थिति उसका सदुपयोग नहीं करते और बढ़िया पद नहीं मिलेगी और उसका सदुपयोग करो उसे बढ़िया परिस्थिति आवेगी झकमार कर आवेगी आना पड़ेगा उसको ऐसी विलक्षण बात है। अभी आपने कहा कि धनी आदमी को धन का उपयोग करना नहीं आता हाँ। वो समझाइए धन का उपयोग काय करा धन जोर जोर के राजी कर रहे हैं संग्रह कर लो लाख रुपया जिसके संग्रह हो गया अब जो कमाओ और खाओ सोरा अब लाख रुपया में 5-10 हजार रुपया भी लग जाए तो सीताजी मूड खरो कैसा आदमी हो गाली दे और तुम बेकल हो मूल में से खर्च करते हो तो मूल तुम ही लगाओगे क्या करोगे बताओ सर मूल में से खर्च करते हो तो कहाँ से खर्च करे सर नया कमाओ और गरम 5-10 हजार प्रत्येक वर्ष में संग्रह में गालो पूंजी बढ़ाओ कहाँ तक बढ़ाओगे लखपति करोड़पति अरबपति इसी धुन में लगे हैं तो उपयोग कहाँ आता है। पापी रो धन परले जार कीड़ी संचे तीतर खाए कीड़िया इकट्ठी कर दी तीतर खाते हैं फिर अब मौज उड़ाएंगे दूसरे तुम तो जोड़ जोड़ते हाय धन करते मर जाओ कुत्ते की मौत जैसा क्या होगी है तो खर्च करो है जिगर अनुसार खर्च करो अपना सत्य सारू दत्त बात ये नापो कहते नरा निपट ना करो न दीजिए उन्हें तो देख घर शक्ति के अनुसार खर्च करो भाई इतनी शक्ति है। बादशाह ने एक अपनी सौड़ बनवाई
रजाई, रजाई बनाई तो वो छोटी थी, और अगर लो भैया रजाई उठाओ हमारे को, उठाओ ऊपर उठाओ तो पैर खुले हो जाए, पैरों पर उठो तो इससे महंगा हो जाए, बाचन के उठाओ कहता था कैसे उठाओ भाई, कह रहे तू ऐसे मूर्ख कहेंगे, अगर बीरबल होता तो उठा देता, अब इससे बीरबल को खींच कर लंबी करता कैसे उठा देता, बीरबल होता तो उठा देता, तो सब कुछ देख कैसे उठा देता, तो बताओ बताओ बोलो बोलो बीरबल को बुलाया, बीरबल ने कुछ कहा बादशाह को नहीं उठाओ रजे, हाँ भी उठा देते, उठाया नहीं अरे उठा, पैर उगर हो गए, पैरों को पकड़ नहीं थकाया, करता रजे उठाऊ क्या करता, करता क्या है तेते पांव पसारी देती लंबी शौर, अब शौर को लंबी कैसे करो, पैर को सही रखो, ऐसा जो परिस्थिति है उसको काम में ले, अब परिस्थिति को लंबी बैठा हो कैसे बढ़ा लेंगे, जो परिस्थिति है उसको काम में लो, सच उठा दी, ऐसे धनी आदमी जिसके पास धन है गायों की रक्षा करो, गरीबों की रक्षा करो, जिसको अन्न नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, अरे माइया बक्सा भर कर करे, बक्सा भर भर कर कपड़ा रखती इकट्ठी, ऊनी कपड़ा रखे उन्हें पड़ जाते जंतु, खच जाता है, खराब हो जाता है, करें क्या, क्या करें, लाओ गोली लाओ, सो ये लाओ गोली लगाओ, खराब काम है, तो वो नहीं समझते, अरे गरीब बहनों माताओं को लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, गरीबों के वहां अन्न देने का काम पड़ा, हमारे प्रेम जी डाठी और गए रात्रि में जाकर राजपुर घरों में कहते थे अन्न ले, बाहर आवे कैसे पहनने को ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है पूरा, अरे घराने की स्त्रियां कैसे आ जाए बाहर, कपड़ा फेंका है ऊपर से ये पैर गिराओ, ऐसा काम पड़ा और ले जाओ ये अनाज लो, अब नहीं लेते मूर्ख में, अच्छा लिख लो, हम लोग गए 96 सम्मत की बात है 95 की, चूरू जिला में काल पड़ा हुआ था, तो मैं शंकरनाथ जी एक हमारे भोजक थे साथ में, माली राम जी भोजक, वे तो रुपया रखते थे, और हम साधु बाबा जी जी जात गांव में जाते भिक्षा मार और खाते उनके घरों की रोटी, जिसके वर्षा होते ही चलाने का हल नहीं है हल चलाओ, जिसके पास बैत नहीं है बैल नहीं है ऊंट नहीं है वो दिलाओ, और अनाज नहीं है उन पर लिखो, शेर जी ने कहा कि तुम लिख दो वहां से इतना बुरा अनाज देना है, इतना इनको सारा देना है, इसको ये देना है, जयदयाल जी चूरू वाले उन्होंने ये बात कही, और हम गए कई गांव में घूमे हम, और दिया फिर महाराज दिया उसमें कहा कि तुम ले लो, हम मुफ्त में नहीं लेते, कि मुफ्त में नहीं अभी एक बोरा अनाज ले लो, जब तुम्हारे निपज जाते एक बोरा दे देना उधार देते, पैसे दे देना अनाज दे देना और न दे देना विचार मत करना, कर्ज मांगना नहीं ले लो, ऐसे दिया हम लोगों ने, और उन्होंने लिया है ये सदुपयोग करो धन का। पहले मैं यहाँ रहता था, बहुत वर्षों की बात है, कोई 50 वर्ष पहले की बात है, कलकत्ते में एक भाई आया, तो वो आकर कहने लगा, ध्यान देकर सुना, बीती हुई घटना बताता हूँ, हमारे यहाँ भाई लखपति है और मेरे घर में अन्न नहीं है, मैंने पूछा कि तुम मेरे को काम लगा दो तो मैं काम करूंगा और आपसे लेऊंगा, आपसे लेना नहीं चाहता हूँ, काम लगा दो कुछ न कुछ मेरे पैदा हो जाए, जिसमें जवाब दे दिया, मेरे पास आया कि मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई ज्यादा हो तो क्या, मेरे दुख होता नहीं, अरे दुख हो तो तू मैं दो रोएंगे और क्या करेंगे, बताओ है बाबा जी जातियां क्या पड़ा है, तो मैं क्या करूं, वो चल गोविंद का जी आए हुए थे, ढाका पट्टी बिठाए हुए थे, उनके पास जा मैंने कहा महाराज ऐसा ये गृहस्थ आया है, खाने को अन्न नहीं है घर में, लाओ मिलाया, शेर जी ने 100 रुपये दिए, लो 100 रुपये ले जाओ, ये घर पर भेजो मेरे सामने के भी 100 रुपये ले भेजो, कि मैं सहायता लेने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं तो कोई काम धंधा लग जाए तो उसके लिए हम काम धंधा ही देंगे, ठीक बात है। और मैं सहायता नहीं देता हूँ, मैं दान नहीं देता हूँ। सेठ जी ने कहा मैं तो घर खर्चे में लिखता हूँ, जब आपके हो जाए तभी दे देना, पर कर्जा मत समझना भाई मेरे कर्जा है, कर्जा तो है नहीं, या दोगे तो भी ले लेंगे। ऐसे कर 100 रुपये दिया, मेरे को संतोष हो, कितनी बढ़िया बात है, दे दो तो हम ले लेंगे, नहीं तो बालकों को अन्न तो भेजो कम से कम। मेरे सामने 100 रुपये दिए, ले जाओ ले जाओ। तो ऐसे धनी आदमी से तो ये बात चाहिए, छिप खत्म होती है। अपना रतनगढ़ की बात है, एक छोरा आया, उस छोरे को एक लिफाफा दिया, हनुमान प्रसाद जी पोदार कल्याण संपादक, मेरे सामने देखी हुई बात है। वो लिफाफा दे और क्या, देख तेरी माँ को देना और मत देना किसी को, जा जला। उसने नोट डाल दिए। अब बेचारी किससे मांगे, क्या कहे, घर में तंगी, नोट भेज भेज दी। कहाँ से आया, किसने दिया, कोई परवाह नहीं। तो धनी आदमियों को चाहिए इस तरह से अपने धन का उपयोग करें, जिन घरों में अभाव है उनमें देवे। इसमें कोई ठग भी हो सकता है, कोई आपसे चोरी भी कर सकता है, कोई डाका भी कर सकता है, परंतु उसमें भी समझना चाहिए ठीक है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। कैसे कैसे ठीक कैसे हो, हमारे साथ धोखा कर ले। हाँ धोखा कर ले, क्या कर ले साहब, हमारे पास आया कि हम तो ऐसा प्रचार करते हैं, को गीता गीता का प्रचार कर रहे हैं, साधक संजीवनी, हम ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा वो ले जा, तो मैं तो एक एक और दे दो, और तो वह भी दे दो, ले जा। बिल्कुल ठग था एकदम ही। मेरे मन में आया कि ठीक कैसे कैसे, हमारे पास तो पड़ी है, ये अगर पढ़ेगा तो उपयोग होगा, बेचेगा आधे दामों में तो थोड़े दामों में मिल जाएगी, और लेगा वही जो बांचेगा, तो कोई न कोई पढ़ेगा, हमारा तो प्रचार ही हो रहा है। ये हमारी बीती कुछ 4 दिन 5 दिन बाद ही, हमारी क्या हानि हुई, हमारे तो पड़ी है, ऐसे ज्यादा ही पड़ी ही, ले गया बेचारे, कोई तो पैसा मिल जाएगा, कोई पढ़ने को मिल जाएगा, किसी को कुछ फर्क ही होगा, फायदा ही होगा, नुकसान क्या होगा, पड़ी हुई पुस्तक हमारे क्या काम करती थी। वो राजी हो गए कि हमने ठग लिया स्वामी जी को, हम राजी हो गए कि बहुत अच्छा प्रसार हो गया। आने क्या हुई साहब, ऐसे कोई पर ठग भी लेगा तो क्या ले। बांकुड़े जिले में अकाल पड़ा हुआ था, तो पंडित जेसाराम जी और वे गए, तो कहे तुम बांटो, तो वे आगे कहते महाराज मछलियां मारते हैं, उनको कैसे सहायता दें, सब दिन ही मारते हैं, और अच्छे अच्छे पैसे वाले आदमी वो सदावर जैसे लेने वाले आ जाते हैं, अब उनको क्या दिया जाए, पैसे है घर में, मकान पर रहने वास्ते, ऐसे लोग आते हैं, अब कैसे करें। गोरखपुर में शस्त्र अनाज की दुकान करी, अकाल पड़ा गोरखपुर जिले में, मैं वहीं था मौजूद, शस्त्र अनाज सस्ता दो रुपया, 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा नहीं, एक एक ऐसे ही दो। जिन में अच्छे अच्छे धनी आदमियों के घराने से छोरा निकले, छोरे को 2-3 पैसा दे, 4 पैसा देते हैं, रुपया इतना लिया घोड़े को देंगे, वो 2 पैसा लेकर के आप रख ले, घोड़े में लिया हुआ देना। सेठ जी ने सुना इस तरह से धनी आदमी भी सस्ते अनाज में लगा कर ला करके घोड़े को दाना देते हैं। सेठ जी ने कहा कोई हर्ज नहीं है, दे अपने तो वही राजी हो जाए, क्या करें हमारे पास आदमी नहीं है, नहीं तो आसाम से इंडिया मंगा करके और इनको सबको थोड़ी सस्ती देवे तो कितने राजी हो जाए धनी। आप बोले सेठ जी मैंने इतना काम करने वाला आदमी नहीं, राजी हो जाइए, मुझे सस्ती मिली। अब शर्म नहीं आती कि मुफ्त में जहाँ अनाज दे रहे हैं वहां छोरों को देकर घोड़े वाले दाना मंगावे, 2-3 पैसा दे दे उस लिया, अब कितना लाभ होगा। जिनका खर्च हो जाए उनको राजी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, धनी आदमी भी हमारे दान के पात्र हैं, गरीब भी हमारे दान के पात्र हैं, किसी तरह से किसी घर में चीज पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य ये। शेठ जी ने कहा कि कितना ही हो वो जहां से पैसा उसके पैसों में गरीब है, इन वास्तव में घरों पहुंचाओ किसी तरह से,
वे झूठ करे, कपट करे, ठगी करे, कोई अर्ज नहीं। ठगी करे तो भूखा मरे है तो दरिद्री के दरिद्री चाहते हैं कि रुपया मिल जाए मिल जाए, तो बड़ा पुण्य दो ठग लोग। किसी तरह से आपके पैसा का उपयोग नहीं, तो पड़ा रहेगा, छोड़कर मरोगे। कैसे क्या करें, काम नहीं चलता है, रोटी कपड़ा नहीं मिलता है, बड़ी तंगी है, रोटी कपड़ा ये बाकी रहेगा, मरोगे पहले ये बाकी बचेंगे, कपड़ा भी बचेगा, चीजों भी बचेगी, अन्न भी बचेगा, और मरोगे पहले। चिंता करे रोटी के कपड़े की, अरे मरने की चिंता करोगे, मर जाएंगे, भगवान का भजन कर दो, बात सच्ची। मरने की नहीं चिंता, रोटी कैसे मिलेगी, कपड़ा कैसे मिलेगा, मकान कैसे मिलेगा। ब्रिग से ब्रिग त्यागी से त्यागी पुरुष की लंगोटी और फूटी तू भी बचेगी, पैसा मर जाएगा पहले। तुम्हारे निर्वाह की वस्तुओं बाकी बचेगी, मरेगो पहले मरोगे। पर मरने के विचार नहीं कि जिये जो भजन कर रहे ये नहीं करे, उपकार कर नहीं करेंगे, कैसे जियेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे करेंगे। अरे आज तक जीते रहे हो, कैसे जीते रहे हो साहब? अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटक। माँ के पेट में था उसमें भगवान ने रक्षा करी है। नब नाभ नाल तंताल भसे, जीव झाल कराल बिचाल रखे, धर्माल दुधाल सिरद काल में क्यों न गवाल करे, मन तैसे दिशा उधार। आप बिना कुरु था, माँ के पेट में था उस समय भी भगवान ने रक्षा करी है। जन्मा तो दुख पहले, दूध पहले से तैयार किया, दूध पहले से तैयार किया बच्चे के लिए, पीछे जन्म हुआ है। जलमाल धुराल दूधाल से जत, जलमाल धुराल, जलमाल धुराल पहले ही दूधाल से जत, दूध को पैदा कर दिया। फिर रोता है सही, क्या वो भगवान मर गए, बदल गए, क्या हो गया, उनका परिवर्तन हो गया, तबादला हो गया उसका? भगवान वे ही है जो हमारे करने वाले हैं। संतों ने देखा है, परीक्षा लेकर देखा, परीक्षा। हमारे मित्र एक साधु, उन्होंने देखा भगवान रोटी कैसे देते हैं, भगवान कहते हैं देते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोड़ बैठूंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं, किसी से कहूंगा नहीं, देखो मेरे को रोटी कैसे देते, भगवान आहार कैसे देते। चल दिए अपन आसन से, कमंडल और डोरी से पास में जल निकाल लिया, हाथ पैर धो लिए, पानी पी लिया, चल दिए। चलते चलते गाँव दिखा, गाँव आ रहा है, रास्ता छोड़ो चले, जो रास्ता मिला उसे चल दिए। कहाँ जाना है कोई बचा नहीं, एक तो ठहरना नहीं है। दो तीन दिन भूखे रहे, कुछ नहीं मिला, उन्होंने किसी कहा नहीं और ऐसी किसी कहा नहीं। एक दिन शाम के वक्त में एक भेड़ बकरी चराने, बाबा जी आवाज दे, उनको तो बोलना था नहीं, वो चले गए। रात्रि में क्या हुआ, वो एक खेत में जाकर ठहरे, वहां कुआ था, जल निकाले, हाथ पैर धो लिए, पानी पी लिया, सो गए। रात्रि में देख करवट बदला तो एक आदमी बैठा, महाराज बाबा ये क्या बात है, तो मैं दूध लाया हूँ पी लो। कि दूध कैसे लाया, वो जो मैं भेड़ बकरी चराने में आवाज दी थी वही मैं हूँ, मैंने देखा बकरी का दूध पिएगा कि नहीं पिएगा, गाय का दूध लाया हूँ, गाय का दूध लाया हूँ पी लो। तो वो कहने लगे कृपा कर दूध लाए, पी लिया, भूखा दो तीन दिन का भूखा था। तो भगवान ही पीछे पर तो देते हैं, जैसे ये माता है ना, छोरा अगर सो जाए उठता रहे रोटी खा ले जी मिले करता है, तो वो दूध ठंडा कर पिए जैसा करके उठाकर मुंह ले लाख पी ले सो जाए, माँ के संतोष को सर दूध पी ले। ऐसे ठाकुर जी करते हैं, सुने ऐसी कई घटनाएं घटी है ऐसी, ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम पुस्तक है, इसमें ऐसी बहुत घटनाएं लिखी, बीती हुई घटनाएं लिखी है। तो भगवान की ऐसी बात है, विलक्षण, वो रक्षा करते हैं। हमारे को क्या ठगेगा, क्या ठगेगा बताओ? हमारे मित्र रामलाल जी ने कहा, स्वामी जी आप भी ठगाई में आ जाते हो। ठगाई में क्या आ गए, कहते वो कहता है मेरा मन लगता है सत्संग बड़ी अच्छी लगती है, आप समझते ऐसा ही है, चला कर धूर्त आदमी होता है।
हमारे ठगेगा क्या, पैसे तो हमारे पास नहीं और क्या ठगेगा, मेरे को कह देगा हाँ साहब तुम समझ लोगे अच्छा आदमी है तो अच्छा ही समझा, बुरा तो नहीं समझा मैंने, हमारी ठगी क्या हुई क्या ठगे हमने अच्छा समझ लिया है, अच्छा है नहीं तो मैं तो अच्छा तो समझ गया, हमारे पोल निकली है घनी मोटी बड़ी बड़ी पोल निकली है, मैं बहुत अच्छा समझा और सबसे धोखाबाज निकले, ऐसा हमारे तो सामने देखा हुआ नई बात थोड़ी है, घड़े निकले अब ठगई क्या हुई साहब, हमने अच्छा समझते यही हुआ तो हर्ज क्या हुआ, बुरा तो नहीं समझा अच्छा समझा कोई हर्ज नहीं है, बुरा समझना बुरा है अच्छा समझना कोई बुरा नहीं, ये हमारी ठगाई हुई क्या ठगाई क्या ले रही है? जब निर्णय हो करके दूसरों का हित करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का कल्याण करना है, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ को सुनाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितनी बढ़िया बात है, दूसरे का हित हो जाए, वो ठग करके अपना हित कर रहे तो वो राजी हो गया ठगाई से, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी क्या हुआ, हमारी रोटी में हमारे कपड़े में तो फर्क पड़े नहीं, और उसमें फर्क पड़ जाता अच्छी बात है, एक दिन हम भूखे रह जाएंगे दूसरे दिखा लेंगे क्या, वो बेचारा ऊपर ठग कर रह गया अच्छी बात है, वही राजी हो गया ठग करके राजी हो गया, मौत की बात है आनंद की बात है, अर्ज क्या हुआ। इस वास्ते परिस्थिति है उसको बदल नहीं सकते, परिस्थिति का सदुपयोग करो, आपके पास धन संपत्ति वैभव है तो उपकार करो, और धन नहीं है तो धन की इच्छा का त्याग कर दो, धन की इच्छा का त्याग तो करना पड़ेगा, धनी को भी खर्च करेगा तो इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, तो उसको तो इच्छा त्याग धन कर खर्च करने में परिस्थिति देखनी पड़ेगी, पात्र कुपात्र देखना पड़ेगा, आपको इच्छा छोड़ने में कुपात्र देखना पड़ेगा ही नहीं, और कुपात्र देखते हुए आप कुपात्र हो जाओगे खुद, निर्धनता है तो भगवान ने कृपा कर दी धन दिया ही नहीं, बहुत ही आनंद की बात है, मौज हो गई, चाहिए ही नहीं हमारे कि चीज है ही नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं, मौज बहुत है, बहुत आनंद है। हमारे मित्र थे, हम दोनों साथ जा रहे थे तो महाराज वो दूध शाम को दूध हमें पीना ही नहीं है, भिक्षा जिसने नहीं मिली, एक साधु थे उसको महाराज क्या खाते हो कि भिक्षा मांग लेते हैं खा लेते हैं, भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख को ही खा लेते, बाबा भूख को कैसे खा लेते तो भूख को ही खा लेते, साधु मेरी अटकल महाराज आप क्या जानो उन बातों को, भूख को खा लेने का अर्थ होगा आज भोजन नहीं करेंगे, आज भूज के भूख को पा लिया, पा लेगा हाँ क्या पाया भूख पा लिया बस अब नहीं भोजन नहीं करेंगे, क्या बदल लगी, भोजन नहीं मिले भिक्षा नहीं ले भूख को ही पा लेंगे, अब आज भोजन नहीं करेंगे, ठाकुर जी मर्जी होगी दिया नहीं तो नहीं खाएंगे, अब कल देखा जाए। एकादशी व्रत से ज्यादा महत्व है इसका, हृदय से त्याग कर सब है हम त्याग कर देंगे, हमारे को नहीं मिलेगा हम कर त्याग कर देंगे, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। तो मुफ तुम्हें आगे द्वेष करके दुख पावे, क्यों मुख में दुख पावे, बड़े मौज हो रही है, जाई विद राख राम ताई विद रही है, सीताराम 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 कही है। ध्यान लगा एक बात और बताता हूँ, मेरा ये अर्थ नहीं है कि निक में बैठे रहो काम मत करो, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, तत्परता से काम करें, मशीन की तरह काम करें, अरे मिल जाए उसमें मस्त रहे, काम करने में कमी नहीं, कर्म नियवाधिकार से माँ फल सु कदाचन, फल में कभी नहीं, कर्म नियवाधिकार काम करेंगे अच्छी तरह से, पंचायत राखे राम ताई भी रहेगी प्रसन्नता से रहेंगे, मोल से अर्ज क्या है, कर्तव्य कर्म से अच्युत नहीं करनी वहां से कभी, हम लोगों को मुफ्त में रोटी मिलती है पर तो काम नहीं करते हैं, या पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है,
हम तो लाभ लेते हैं भाई, हम तो औरों को कहते हैं आप लोग पढ़ो और लाभ लो, बहुत लाभ होता है। विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है हमारे पुस्तकों में, बड़ी अलौकिक विचित्र बातें मिलती है। गीता के पढ़ने से विशेष विशेष बातें मिलती है। आप देखो घंटा डेढ़ घंटा रोजाना आप पुस्तक पढ़ो और कोई भी लगाओ पुस्तकों में, किस तरह से। किसी ने पूछा है कि आप जो उपदेश देते हैं उसका आचरण तो साधु बनने पर ही हो सकता है, कृष्ण तो हो नहीं सकता। मैं कृष्ण में वैदेशी ही बात बताता हूँ, साधु की बात बहुत कम बताता हूँ, प्राय कृष्ण की बात बताता हूँ, साधु की होने वाली बात बहुत कम कहता हूँ, कृष्ण में हुए वही बात बताता हूँ। कौन सी बात जो कृष्ण में नहीं होती पूछो, कौन सी पूछो। साधु बनने पर नहीं होती है, आपको दूसरे में दिखता है भाई साधु है जो सुखी है, साधु ने देखो आओ तमाशा रोते फिरते। साधु बने हुए घाट पर मांगते हैं, दुकान में जाकर मांगते हैं, पैसा पैसा मांगते हैं। साधु ने सुख जी क्यों मांगते हैं पैसा, ये साधु कृष्ण का कारण नहीं है, ये तो भीतर से लोभ होगा तो साधु बनो। भाग से पहने बभूत लगाया बभूत नहीं होता, भीतर का है ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहज ही आवश ये तृष्णा रोग गया, तृष्णा चले जाएगी तो सुख सहज ही आ जाएगा। कृष्ण में रहो चाहे साधु बन जाओ, भाई हो चाहे बहन हो, भीतर में तृष्णा नहीं है, मौज से आनंद है। वो कहे तृष्णा गई चाह मिटी, चित्ता चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवा, जिसके कसम नहीं चाहे वो सहनपति शाह बादशाह बादशाह। कश्मीर के राजा जंगल में गए, एक बाबा जी बैठे थे, उनका नाम याद नहीं हमें, उनसे जाकर बैठा तुम कौन हो, तो उसने कहा तुम कौन हो, वो कहते मैं राजा हूँ, तुम हम मैं राजा हूँ। राजा ने कहा मैं राजा हूँ, तो बाबा जी को मैं महाराजा हूँ, तुम महाराजा कैसे हो, तो तुम राजा कैसे हो बताओ। हम राजा ऐसे है कि मन चाहे जिसको देश में से कश्मीर से निकाल दे, चाहे जिसको धन दे दे जितना ही, ऐसे निकाल सको तो हाँ, तो मच्छरों को निकाल दीजिए देश में से, ये क्या पैदा करते हैं आप, मच्छरों को निकाल दे, अब चुप हो गए, चाहे जिसको निकाल दो तो मच्छरों को निकालो देश में से, इसको पैदा ज्यादा होती है, देते हो तो लाख रुपये मेरे को दे दो, अब लाख रुपये को आकांक्षा लगेगा कैसे दे। तो महाराज आप महाराज कैसे हो, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, बताओ हमारे जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, चाहना है नहीं हमारे मन में, बताओ हमारा महाराज अपना कैसे खत्म हो जाएगा। तुम राजा अपना सिद्ध नहीं कर सकते, हम महाराज है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, चुप हो गए। तो हमारे महाराज अपने फर्क पड़ता है क्या, राजा अपना सेट गुजर गया तो चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा। देखो ऊपर से चीजें रखना कोई दोषी नहीं, लाखों रुपया दोषी नहीं, पर मन में रुपयों की गुलाम नहीं चाहिए। मैं आप वो लखपति करोड़पति देखना चाहता हूँ, आप लख दास गुलाम दास बनते हो करोड़ के, ये अवस्था नहीं देखता। आप मालिक हो, रुपये आवे तो आवे, नहीं तो ठोकर मार चल दिए, मन पर कोई असर नहीं है। लाख रुपये जाए दस लाख चला जाए चला जाए, आ जाए तो आ जाए, कोई असर नहीं है। वो लखपति है असली, रुपये जाने से खिलखिलाहट करता है, मन में यूँ खलबली मच जाती है। तो रुपये गुलाम है, गुरु दास नहीं है, वो मालिक नहीं है, नाम है लखपति करोड़पति। मालिक वो है जैसे मौत रहती है, आ जाए धन तो मौत चला जाए तो मौत है। हम लख के दास थोड़े हैं, हम दास भगवान के, भगवान जाते आते नहीं हमारे हैं, भगवान हम भगवान के, मौत रहती है मस्त रहती है, हरदम भगवान का नाम ले रहे हैं, हर से क्या बाधा लगे साहब। धनी आपके घर रो अच्छी बात, धनी भी अच्छा, मौन भी अच्छा, निर्धन भी अच्छा, बोलो ठीक है। वो कल
कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। सत जुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठकुराई, सत जुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठकुराई। आंख खोल कर देखो भैरा कल जुग की चतुराई, आंख खोल कर देखो भैरा कल जुग की चतुराई। हो सगला हो सगला हो सगला एकल कुंडे नावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। नारियां को नारी पन उठ गयो मर्दा की मर्दाई, नारियां को नारी पन उठ गयो मर्दा की मर्दाई। हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई, हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई। ओ सगला ओ सगला ओ सगला होडा होड मचावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। छोड़िया चारू बरन आपरी रोटियां रो रोजगार, छोड़िया चारू बरन आपरी रोटियां रो रोजगार। भाषा छोड़ी बेस छोड़िया बेटियां रो व्यवहार, भाषा छोड़ी बेस छोड़िया बेटियां रो व्यवहार। ओ सगला ओ सगला ओ सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े, ओ सगला पशुआ की जो खावे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी नेकटाया लटकावे, छोटी छोड़ी धोती छोड़ी नेकटाया लटकावे। खड़िया खड़िया भी ता पर मुते जूता पैरिया खावे, खड़िया खड़िया भी ता पर मुते जूता पैरिया खावे। उपूरब 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 छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़िया माही, झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़िया माई। वे तो खुले रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। बहुराण्या बेटा रे संग में कल बामा ही डोले, बहुराण्या बेटा रे संग में कल बामा ही डोले। काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले, काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले। ओ बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे, कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे। संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस जावे, संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस जावे। ओ पैसा खावे धर्म गमावे रे चोड़े धाड़े, ओ रुपिया खातर मुंडो बावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े।
घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी नाम धरावे, घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी नाम धरावे, अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे, अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे। हो दौड़िया हो दौड़िया हो दौड़िया नरका माही जावे रे छोड़े धाड़े, ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़ भागी लख पावे, बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़ भागी लख पावे, राम नाम जपने सु प्राणी भवसागर तिर जावे, राम नाम जपने सु पानी भवसागर तिर जावे। ओ तुलसी ओ तुलसी ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े, ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े, ओ कलजुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े छोड़े धाड़े छोड़े धाड़े, संत कहे हरि भजन करो रे लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही, खाऊं खाऊं करे निरंतर, खाऊं खाऊं करे निरंतर, धर्म करम सुब छोड़ दिया रे भाई, धर्म करम सुब छोड़ दिया, नाशवान का लिया सहारा हरि सो नाता तोड़ दिया, नाशवान का लिया सहारा हरि सो नाता तोड़ दिया। उपजा दो सही सो सारा, उपजा दो सही सो सारा, फल लागे अति दुखदाई रे भाई, फल लागे अति दुखदाई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। बड़ा आदमी कौन जगत में, बड़ा आदमी कौन जगत में, धन से कांटे पर तोले रे भाई, धन से कांटे पर तोले, धन लेकर बेटा परनावे लेन देन पहले खोले, धन लेकर बेटा परनावे लेन देन पहले। स्वार्थ अंध हो गया जब सो, स्वार्थ अंध हो गया जब सो, आगे की सूझे नाही रे भाई, आगे की सूझे नाही, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। मान बढ़ाई धन कुटुंब के, मान बढ़ाई धन कुटुंब के, सुख में इतना फूल गया रे भाई, सुख में इतना फूल गया, मैं हूँ कौन कहाँ से आया क्या करना यह भूल गया, मैं हूँ कौन कहाँ से आया क्या करना यह भूल गया।
जैसे फिरे बैल घानी का, जैसे फिरे बैल घानी का, आँखों पर पट्टी छाई रे भाई, आँखों पर पट्टी छाई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे ओ रे, लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। अगणित पाप करे धन के हित, अगणित पाप करे बुरा बुरा व्यवहार करे रे भाई, बुरा बुरा व्यवहार करे। झूठ कपट छल धोखे बाजी चोरी का व्यापार करे, झूठ कपट छल धोखे बाजी चोरी का व्यापार करे। मरते समय पाप संग जावे, मरते समय वे मार पड़े जमपुर माहिर भाई, मार पड़े जमपुर माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे करो रे, लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। असत वस्तु का छोड़ सहारा, असत वस्तु का छोड़ सहारा, सुख की आशा तजिए रे भाई, सुख की आशा तजिए रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे, नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। नर्तन जन्म सुफल हो जावे, नर्तन जन्म सुफल हो जावे, सतसंगत करिए भाई रे नित, सतसंगत करिए भाई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया होए रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया होए रुपया, आग लगी सब जग माही।